ये सरकारों के तर्कश में जो है ना जगह जगह वो होते हैं, तीर होते हैं। आंध्र प्रदेश में लड़ती हैं तो वहां पर एस्मा लगा देते हैं। हमने दिल्ली के अंदर भी देखा था जब आंगनबाड़ी औरतें लड़ी थी, दिल्ली सरकार ने भी एस्मा लगा दिया था उनके ऊपर। सरकारों के पास यही तरीका होता है, अपने ही दिए गए चुनावी वादों को भी आप पूरा नहीं करेंगे। आगे चीफ मिनिस्टर साहब जो है ये औरतों को धमका रहे हैं, ये आपका औरतों के प्रति कमिटमेंट है, औरतों के सशक्तिकरण के प्रति ये कमिटमेंट है आपका, और हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप इस तरह की दमनकारी नीतियों से आप बाज आइए। मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। हमारे साथ एक महिला मौजूद है। जिस तरीके से आंगनवाड़ी महिलाओं का जो प्रोटेस्ट था वो आपने देखा ही होगा, जंतर मंतर पे काफी तादाद में लोग आए थे और प्रोटेस्ट लगातार कर रहे थे। आज एक बार फिर से इनका जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, और जो एस्मा कानून है उसको लेके इनका प्रोटेस्ट है कि वो जो चीज है एस्मा कानून जो है उसको वापस ले लिया जाना चाहिए। मैम, क्या तकलीफ है इस एस्मा कानून में? एक्चुअली एस्मा का मतलब है कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। उसमें आप किसी भी संघर्ष को गैर कानूनी करार दे देते हैं, किसी भी स्ट्राइक को आप गैर कानूनी करार दे देते हैं बजाय लोगों की जायज समस्याओं को हल करने के। तो ये जो दमन का एक तरीका है, हम इस दमन के तरीके की हम आंध्र प्रदेश सरकार की निंदा करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की लाखों लाख आंगनबाड़ी कर्मचारियाँ जो कि एक्चुअली पूरे हेल्थ सिस्टम की बैकबोन होती हैं, वो रीढ़ की हड्डी होती हैं, उनकी जायज़ बातें सुनने की बजाय वो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को जन जन तक पहुँचाती हैं, और उनकी जायज़ बातें कि भाई, और जो कि आंध्र प्रदेश सरकार का चुनावी वादा था उनका कि जो है हम उनकी सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है आप उनको ग्रेच्युटी का बेनिफिट देंगे, जीवन भर जो है लोगों का जो है चलता रहता है मामला, और उसके बाद जो आप उनको कोई सोशल सिक्योरिटी देने में अक्षम, मतलब आप राजनीतिक रूप से इच्छुक नहीं है इस बात के। और ये लगातार 33वां दिन हो गया है आज पूरे आंध्रा में जो है, आंध्रा तेलंगाना के अंदर आज संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है, सरकारी पर्व मना रही है, यहाँ आंध्रा भवन के अंदर पर्व चल रहा है, लेकिन वो इतनी सारी औरतें जो है आज सड़क पर बैठी हुई हैं। ये क्या मजाक है भारत की, भारतीय राज्य के जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसकी, इतनी जो ये 100% वर्क विमेन वर्कफोर्स होती है, ये उस विमेन वर्कफोर्स के साथ क्या मजाक है, उसके श्रम की शोषण का सरकारी तरीका। तो आज इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के साथ कुछ और ट्रेड यूनियंस ने आंध्र प्रदेश की आंगनवाड़ी महिलाएं जो संयुक्त रूप से विभिन्न विभिन्न ट्रेड यूनियंस जिसमें IFTU एक महत्वपूर्ण घटक है उनके संघर्ष का, उसके नेतृत्व में जो वो संघर्ष वहां पर चल रहा है उसको एकजुटता दिखाने के लिए IFTU दिल्ली कमेटी और तमाम ट्रेड यूनियंस ने जो यहां पर प्रदर्शन किया था उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आज प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली के साथी भी यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और हम मांग करते हैं, इस मांग का समर्थन करते हैं कि एस्मा जो है वापस लिया जाना चाहिए, और आंध्र प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कर्मियों की जायज मांग है उनको पूरा किया जाए। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पर्व मनाया जा रहा है वहीं पर महिला जो है सड़कों पर बैठी हुई, और 33वां दिन माना जा रहा है, और जो आंगन, मतलब आंध्र प्रदेश में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि एस्मा कानून लागू कर दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सरकारों के तर्कश में जो ना जगह जगह वो होते हैं, तीर होते हैं। आंध्र प्रदेश में लड़ती हैं तो वहां पर एस्मा लगा देते हैं। हमने दिल्ली के अंदर भी देखा था जब आंगनवाड़ी औरतें लड़ी थी तो उनके ऊपर दिल्ली सरकार ने भी एस्मा लगा दिया था। जहां पर भी महिलाएं संघर्ष करती हैं, सामूहिक संघर्ष करती हैं, अपने जीवन और आजीविका की सुरक्षा की मांग करती हैं, सरकारों के पास यही तरीका होता है जब दमन करने का, जनता के विभिन्न हिस्सों पर दमन करती है, जब महिलाएं संघर्ष करती हैं तो उनके ऊपर भी दमन। मतलब अब महिलाएं अपनी आवाज भी ना उठाए, संघर्ष भी ना करें, इसके लिए उस पर एस्मा लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप जो है 100% विमेन वर्कफोर्स का शोषण आप करते रहें, और महिलाओं को अपने हकों के लिए आवाज भी ना उठाने दें, आप उनको अपने ही दिए गए चुनावी वादों को भी आप पूरा नहीं करेंगे, आप औरतों को जो है धमकाएंगे, और साथ में आंध्र प्रदेश सरकार धमका रही है अभी कि जो जो औरतें आंगनवाड़ी वर्कर है ऑलरेडी उनको आप टर्मिनेट करेंगे, उनको आप डिसमिस करेंगे बजाय उनके जायज मांगे सुनने के। ये वहां के चीफ मिनिस्टर साहब जो है ये औरतों को धमका रहे हैं, ये आपका औरतों के प्रति कमिटमेंट है, औरतों के सशक्तिकरण के प्रति ये कमिटमेंट है आपका, हम निंदा करते हैं आपकी, और हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप इस तरह के दमनकारी
नीतियों से आप बाज आइए, वरना पूरे भारत की औरतें जो है इन संघर्षकारी औरतों के समर्थन में निकलेगी। और ये एस्मा कानून के तहत तो आप हड़ताल भी नहीं कर सकते, आपको जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये दमनकारी कानून है, ये बहुत दिनों से जो है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस तरह के दमनकारी कानून एस्मा और यूएपीए जैसे कानून उन्होंने रखे हो, और हम मांग करते हैं इन कानूनों को कानूनों की किताबों से हटा देना चाहिए। जनवादी देश के अंदर जो इस तरह के कानूनों का कोई मतलब नहीं है, एस्मा का कोई मतलब नहीं है, जनता के संघर्षों को दबाने का ये जो आपका तरीका है, आप जो है बजाय लोगों की जायज मांग सुनने के आप उनके ऊपर दमन करते हैं, हम निंदा करते हैं आपकी। लेकिन जब भी ऐसी चीजें हड़ताल करी जाती हैं, चीजें अगर ज्यादा लोगों जाते तो उनको डिटेन करके ले जाया जाता है कि नहीं करने देंगे हम ऐसी चीजें। बिल्कुल, वो तो सरकारों का काम ये है और जनता का काम लड़ना है, वो तो फैज की पंक्तियां ना यूं ही उलझती आई है, हुकूमत से खलक हमेशा ना उनकी यूं ही खिलाए हैं दरिया में फूल हमने, ना उनकी रीत नहीं है और ना अपनी जीत नहीं है, तमाम चीजें ये नजर आती है। तो मतलब क्या लग रहा है, कब तक न्याय मिलेगा ऐसे कानून लागू कर देना इस तरीके से, मतलब अपनी आवाज भी ना उठा सके अब महिलाएं? अंत में जीत महिलाओं की होगी, ये संघर्ष है, ये तो व्यवस्था जो है महिलाओं को यही दे सकती है, और ये सरकार के दमनकारी कदमों से ये संघर्ष रुकेंगे नहीं बल्कि ये और ज्यादा बढ़ेंगे, आंध्रा में भी बढ़ेंगे। शानदार तरीके से 33 दिन से वो लड़ रहे हैं और वो डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय के साथ वो लड़ रही है, और इसके समर्थन में भी देश भर की महिलाएं भी सामने आएंगी। लेकिन आप लोगों को तो रोक दिया जाएगा ना, तो कैसे करेंगे फिर आप हड़ताल? कोई बात नहीं, वो उनका काम है, वो उनके तरीके हैं और हमारा तरीका है लड़ने का। तमाम चीजें ही आंगनवाड़ी जो महिला है अपनी जो आवाज उठा रही है उन पे जो ये एस्मा एक्ट लगा दिया गया और बता रही है काला कानून है कि अगर हम महिलाएं आवाज उठाएंगे तो इस तरीके से सरकार जो है एस्मा कानून लगा देती है और उनको हड़ताल नहीं कर देती है। और जो एस्मा कानून के तहत बताया जा रहा है कि अगर आप हड़ताल करते हुए नजर आएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और 250 रुपये का जुर्माना भी लगेगा, मतलब दोनों चीजें भी हो सकती है, और या सिर्फ जुर्माना भी लग सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि जो ये कानून है ये क्या सही कानून लाई है सरकार की, हड़ताल भी ना कर पाया, महिला अपने लिए आवाज भी ना उठाए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर।